आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक नेम है चेंजिंग सेंटेंसेस। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, रीड एंड चेंज द सेंटेंसेस। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज गिवन इन अ टेक्स्ट बुक फॉर यू। चेंज वन वर्ड एट अ टाइम एंड मेक अ डिफरेंट बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। Now, what you have to do, student, in your textbook, page number 65, in the topic changing sentences, you are given a different sentences. बहुत सारे sentences दिए हुए अलग अलग. Now, what you have to do, आपको जैसे कि question में बोला गया है, हर sentence में से आपको एक एक word change करते जाना है और एक नया meaningful sentence बनाते जाना है. चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक, माया सेल्स बट। अब ये सेंटेंस है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू हैव टू चेंज वन वर्ड एट अ टाइम। एक वक्त में आपको एक ही वर्ड को चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं बटर को, एक वर्ड को चेंज करेंगे, इफ वी चेंज द वर्ड बटर और उसकी जगह पे हम लिखते हैं मिल्क, बटर की जगह पे हम लिखते हैं मिल्क, तो हमारे पास एक नया सेंटेंस बनता है, माया सेल्स मिल्क। हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यू हैव टू चेंज वन वर्ड एट अ टाइम एंड मेक अ डिफरेंट बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अब ये हमारे पास नया सेंटेंस आया, माया सेल्स मिल्क। इफ वी चेंज वर्ड सेल्स, अगर हम सेल्स इस वर्ड को चेंज करते हैं और उसकी जगह पे लिखते हैं बाइस, तो हमारा न्यू सेंटेंस बनता है, माया बाइस मिल्क। पहले हमने बटर को चेंज करके मिल्क लिखा, सेकंड हमने सेल्स को चेंज करके बाइस लिखा, माया दूध खरीदती है। अब हमारे पास थर्ड वर्ड आया माया। इफ वी चेंज द वर्ड माया, इसकी जगह पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है माया की जगह पे मीरा, तो हमारे पास न्यू सेंटेंस क्या आया, मीरा बाइस मिल्क। हमने एक एक वर्ड को चेंज करते हुए आखिर में पूरा सेंटेंस या चेंज कर दिया, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस बनाया जो मीनिंगफुल है, डिफरेंट भी है और मीनिंगफुल भी है। आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और देखते हैं, वन सेंटेंस इज गिवन फॉर यू हियर एंड द सेंटेंस इज I saw two birds. मैंने दो परिंदे देखे। I saw two birds. Okay. If I change the word birds, अगर मैं यहाँ पर birds it word को change करती हूँ और उसकी जगह पे मैं लिखती हूँ bags, तो यहाँ पे मेरा sentence बन जाता है I saw two bags. मैंने दो बैग्स देखे। यहाँ पे बैग्स क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे नंबर है टू, मोर देन वन, और जब कोई भी चीज मोर देन वन होती है तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे है बैग्स, मैंने दो बैग्स देखे। ओके, इफ आई चेंज द वर्ड टू, अगर मैं टू की जगह पे लिखती हूँ वर्ड माई, तो मेरा सेंटेंस बन जाता है आई सॉ माई बैग्स, मैंने मेरे बैग्स देखे। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पर बैग्स इस वर्ड को चेंज करती हूं और इंस्टेड ऑफ बैग्स अगर मैं लिखती हूं बैग, मैंने यहां पर क्या किया, बैग्स प्लूरल फॉर्म में था, मैंने उसे सिंगुलर फॉर्म में किया, यानी मैंने बैग्स का सिंगुलर फॉर्म लिखा बैग, तो मेरा सेंटेंस बन गया आई सॉ माय बैग, मैंने मेरा बैग देखा। ठीक है, अगर मैं वर्ड
saw को चेंज करके उसके जगह पे वर्ड लिखती हूं found. तो मेरा सेंटेंस बन जाता है I found my bag. Found यानी मिलना, मुझे मेरा बैग मिल गया. I found my bag. मुझे मेरा बैग मिल गया. अब अगर मैं यहाँ पर I इस वर्ड को चेंज करती हूँ और इसके जगह पे लिखती हूँ she, तो वहां पे सेंटेंस क्या बन जाता है? She found my bag. उसको मेरा बैग मिल गया, है ना? हमने यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में बर्ड्स को चेंज किया, बैग्स लिखा. इन द सेकेंड वन हमने टू को चेंज करके माय लिखा. इन द थर्ड वन हमने बैग्स को चेंज करके बैग लिखा. इन द फोर्थ टाइम्स वी चेंज सॉ और हमने उसकी जगह पे फाउंड लिखा. उसके बाद हमने आई की जगह पे लिखा शी. तो हमारे पास एक बिल्कुल नया सेंटेंस बनके रेडी हो गया, शी फाउंड माई बैग. ओके.